नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सालूस किचन एंड ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल चार आसान तरीके की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है, तो मैदे में हम पहले मोयन देंगे। तो यहाँ पे मैंने डालडा लिया है, आप इसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे गर्म कर लिया है, ये पिघल गया है। तो मोयन को हम डालेंगे मैदे में और इसे मिक्स करते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से बंद नहीं रहा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा डालडा और डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने डालडे को मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बंध रहा है, यानी कि मोयन परफेक्ट है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के गूंथेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है, हल्का सा सख्त ही आटा लगाएंगे तभी हमारी गुजिया अच्छी बनेगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। इसे हम ढक के रख देंगे रेस्ट होने के लिए। जब तक आटा रेस्ट होता है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं गुजिया की। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो गई है, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सूजी ली है। तो सूजी को हम भून लेंगे पहले। यहाँ पे सूजी को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार लें। ड्राई फ्रूट्स को भी हम साथ में भून देंगे। यहाँ पे मैंने किशमिश भी लिया है, तो किशमिश को हम नहीं भूनेंगे। एक मिनट तक हम ड्राई फ्रूट्स को भी सूजी के साथ भून लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। यहाँ पे 1 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गया है और सूजी का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी मावा लिया है, ये घर का बना मावा है। अगर आप बाज़ार का मावा लेते हैं तो आप मावा भी भून लें। तो अब हम इसमें मावा मिक्स करेंगे। मावे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं सूजी में और साथ में किशमिश को भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने मावे को सूजी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी चीनी को पीस लिया है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम डालें। और यहाँ पे मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे। इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने मावे में चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे गुजिया की स्टफिंग बनके तैयार है और अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है और इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे पहले। इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़नी है हमें। इसे हम बाउल में रख देते हैं और लोई को हम अच्छे से गोल करते हैं। और इसकी हम छोटी सी पूड़ी बेलेंगे। यहाँ पे मैंने पूड़ी बेल ली है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ना तो मैंने मोटा रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है। अब इसकी हम गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए मैंने गुजिया का सांचा लिया है
इसके ऊपर हम इस तरीके से पूड़ी को रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, तो किनारे पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे इस तरीके से, ताकि गुजिया तलते समय फूटे ना। और अब हम स्टफिंग को डालेंगे 1 चम्मच इस तरीके से, और इसे बंद कर देंगे। इसके साइड के आटे को हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम गुजिया को बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गुजिया बनके तैयार है। इसी तरीके से एक गुजिया और हम बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी गुजिया भी बनके तैयार है। इसी तरीके से हम सारी गुजिया को बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी गुजिया को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम गुजिया डालेंगे, एक बार में जितनी गुजिया आएंगी। गुजिया को उलट पलट के दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक सेक लेते हैं, और गैस को हाई ही रखेंगे। यहाँ पे गुजिया अच्छे से सिक गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत अच्छा कलर आ गया है गुजिया में। तो गुजिया को हम बाहर निकाल लेते हैं तेल से। इसी तरीके से बाकी गुजिया को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी बार की भी गुजिया सिक गई हैं, इनमें भी अच्छा सा कलर आ गया, इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इसी तरीके से आप भी इस होली पे गुजिया को ज़रूर बनाइए। दही बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी उड़द दाल लिया है। उड़द दाल को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था, और मैंने इसे धो लिया है, ये अच्छे से गल गए हैं। यहाँ पे मैंने छिलके वाली दाल ली है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं एक एक छिलके लगे हुए हैं। आप बिना छिलके वाली भी दाल ले सकते हैं। तो हमें इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाना है। यहाँ पर मैंने उड़द दाल को एकदम बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल के पीस लिया है। इससे ज़्यादा पतला दाल नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा पतला हो जाएगा तो बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही। अगर आपके पास मट्ठा है तो आप मट्ठा ले लें, मेरे पास मट्ठा नहीं है तो मैं दही का यूज कर रही हूँ। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 कटोरी। पानी को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा मट्ठा बनके तैयार है। और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है और सफ़ेद नमक लिया है। नमक स्वाद के अनुसार लेंगे, इसे डाल देंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को छोटे चम्मच से लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक कलछुल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से फ्राई होने देंगे।
आप देख सकते हैं जीरा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच हींग और इस तड़के को हम डायरेक्ट मठे में डाल देंगे इस तरीके से ढककर। ये देखिए यहाँ पे हमारा मठा बनके तैयार है। इसे हम साइड में रख देंगे और बड़ा बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिसे हुए उड़द दाल को ले लिया है। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। 3-4 मिनट तक इसे हम ऐसे फेंट लेंगे। यहाँ पे 3-4 मिनट हो गए हैं तो अब हम बड़ा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगाकर और इस तरीके से हम बड़े को बना लेते हैं गोल गोल। इसमें अच्छा कलर आने तक और इसे पकने तक हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और बड़े को हम डायरेक्ट मठे में डालेंगे। इसी तरीके से हम सारे बड़े को बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे दही बड़े को बना लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी एक बार दही बड़े को ज़रूर बनाएं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम पनीर लिया है। ये घर का बना हुआ पनीर है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में पनीर को डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पनीर को ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं एकदम बारीक इसे मैंने ग्राइंड किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर या फिर अरारूट ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। आटा डालेंगे। यहाँ पे मैंने आटा भी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसे भी डालेंगे। फूड कलर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। फूड कलर हम अपने कलर के लिए डाल रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे फिर से ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इतना गाढ़ा पेस्ट चाहिए। अगर ये ज़्यादा पतला रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तब भी नहीं अच्छा बनेगा। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक भगोना लिया है और इसमें हम 1/2 कप चीनी डालेंगे और 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे हम चाशनी बनने के लिए रख देते हैं गैस पे। यहाँ पे मैंने इसे गैस पे रख दिया है और इस तरीके से चलाते हुए चाशनी को हम चीनी को मेल्ट होने देंगे मीडियम आंच पे। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे अच्छे से घुल गई है। इसे हम मीडियम आंच पे 1 मिनट तक पकने देंगे। हो चुके हैं चाशनी को पकते हुए। अब हम चाशनी को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी हल्की चिपचिपी बनी हुई है। यहाँ पे हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चाशनी में हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे चाशनी हमारी बनके तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन लिया है और यहाँ पे मैंने एक स्टार नोजल लिया है। तो पॉलीथीन में हम थोड़ा सा यहाँ पे कट करेंगे, तरीके से ज्यादा नहीं कट करना है।
और इसके अंदर हम नोजल को डाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पे नोजल को डाल दिया है और पॉलीथीन को हम एक ग्लास में डालेंगे। और यहाँ पे जो हमने पनीर का मिक्सचर बनाया था अब इसे हम पॉलीथीन के अंदर डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। और मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमें पैन का इस्तेमाल करना है, हम कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तेल को हम गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस को हम धीमा कर देंगे और इस तरीके से हम छोटे छोटे फूल बना लेते हैं। अगर यहाँ पे आप तेल ज्यादा रखेंगे तो ये फूल अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे फूल को बना लिया है। गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसकी साइड को हम चेंज कर देते हैं। दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ठीक से बाकी के भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे बैच के भी बना लिए हैं, इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे बैच के भी फ्लावर को सेक लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे। इसे मैंने यहाँ पे सारे फूल को बना लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे भी हैं। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। तो यहाँ पे चाशनी ठंडी हो गई है तो चाशनी में हम एक उबाल आने देंगे। तो बनाया हुआ था इसे हम डाल देंगे तरीके से और इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि चाशनी अच्छे से इसके अंदर चली जाए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम चाशनी में इसी तरीके से रहने देंगे। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर चाशनी अच्छे से चली गई है कि काफी ज्यादा जूसी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिठाई को एक प्लेट में निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। अब इसे हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पनीर की मिठाई बनके तैयार है सर्व करने के लिए। इसी तरीके से आप भी अपने घर पे पनीर की मिठाई को जरूर बनाएं। अगर गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैकेट रेडी मिक्स लिया है, इसे एक थाली में निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे गूंथ के तैयार कर लिया है। एकदम सॉफ्ट गूंथना है हमें, आप देख सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और इसमें हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। और चीनी को घुलने देंगे। यहाँ पे चीनी घुल चुका है। यहाँ पे हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें हल्की चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो
तो हम चाशनी को एक दो मिनट तक उबलने देंगे। यहाँ पे मैंने चाशनी को दो मिनट तक पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है। और चाशनी को हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे एक साइज की, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोइयों को तोड़ के तैयार कर लिया है। अब इसके हमें छोटे से बॉल बनाना है, एकदम गोल चिकना। आप यहाँ पे छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। तरीके से हमें सारी गोलियों को बना लेना है। यहाँ पे मैंने सारे बॉल को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है। अब हम आंच को धीमा कर देंगे और गुलाब जामुन फ्राई होने के लिए डालेंगे। पहले एक गुलाब जामुन डाल के चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गुलाब जामुन डालेंगे एक बार, जितना गुलाब जामुन कढ़ाई में आएगा। और आंच को हमें धीमा ही रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाब जामुन अपने आप फूल के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ पे सारे गुलाब जामुन ऊपर आ चुके हैं और इसे हम धीमे धीमे चलाते हुए चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसी तरीके से हम दूसरे बैच के गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। यहाँ पे हमारी चाशनी गरम है तो हम गरम चाशनी में गुलाब जामुन के बॉल को डाल देते हैं। यहाँ पे हमें दोनों गरम गरम नहीं डालना है। अगर हमारी चाशनी भी गरम रहेगी और गुलाब जामुन के बॉल भी गरम रहेंगे तो हमारे गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। इस बात का हमें ध्यान देना है, या तो चाशनी गरम रहे या फिर ये बॉल गरम रहे। यहाँ पे मैंने सारे बॉल को चाशनी में डाल दिया है और इसे हम ढककर एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटे में ये अच्छे से चाशनी पी लेंगे। यहाँ पे एक घंटे हो चुके हैं, गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छे से पी लिया है। आप देख सकते हैं ये साइज में भी बड़े हो गए हैं। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश कर दिया है ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगने लगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक गुलाब जामुन काट के दिखाती हूँ कि इसके अंदर चाशनी कितने अच्छे से गई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज्यादा सॉफ्ट बना है और इसके अंदर तक चाशनी चली गई है। ये देखिए, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो आप लोग भी एक बार रेडीमिक्स गुलाब जामुन को जरूर बनाएं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।